कोमल स्टार्ट, कोमल स्टार्ट, स्टार्ट। तो 12 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। ये हमारी बर्थडे गर्ल है, इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है हम इसके बर्थडे के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है। ये जियोसा ने और गौतम ने थोड़े से बलून फुलाए हैं। परी भी वेट कर रही है मासी के बर्थडे का। परी को आज नीनी नहीं आ रही है, वे तो भी बर्थडे मनाएगा। हाँ हाँ, किसका बर्थडे है? मासी का बर्थडे है। ये मासी है, ये मासी रात को 12 बजे बावड़ी सी हो रही है, लिपस्टिक लगा और मेरी फोटो अच्छी आ रही है। लिपस्टिक मैंडेटरी है, ये दिन की लगी हुई है। ठीक है, मेरी वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, ये झड़ती नहीं है। महंगी वाली, विदाउट नारियल पानी, महंगी वाली, विदाउट कोकोनट ऑयल। सॉरी, ये हमारी सेलिब्रेशन चल रही है बर्थडे गर्ल को। हम बोल रहे हैं अपने पुग्गे खुद लगा ले, इसको गुस्सा आ रहा है कि तुमने क्यों नहीं फुग्गे लगाए, मेरे को लाला के क्यों दे रहे हो। बट हम कर रहे हैं अपना बेस्ट। अच्छा यार, नींद आ रही फिर भी देखो हम जीजू देख कैसे डेकोरेट कर रहे हैं तुझे। और क्या चाहिए बता, इसको लेकिन मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है हमारे डेकोरेशन से बिल्कुल भी। ये ब्लॉगिंग चल रही है और यहाँ जियो सा की ब्लॉगिंग चल रही है। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं मैं डालूंगी तो होनी, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पैसा ही पैसा होगा। ये देख, ये इकलौती ऐसी औरत है जो खुद अपनी ब्लॉगिंग कर रही है। मैं सबके बर्थडे पे ना इतना अच्छा करती हूँ तो मेरी उम्मीदें बढ़ जाती है सबसे। मारो हमको, मारो हम। और ये भाई हमारो केक, केक केक देख, जो बेमतलब थे ना वो सब सो चुके, जिनको मतलब है वो सब जाग रहे। बोल भाई कोमल, तेरे कोई वर्डिंग्स? मैंने इनको कहा था अच्छी सी खूबसूरत सी कैंडल लाना, ये वही अटकने वाली प्रिय कैंडल। ये हमारा केक, कहा था मैंने मैजिक वाली लाना, ये रही मैजिक वाली, ये रही ना मैजिक वाली। ये मत जलाना, ये फुआरा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चांद में दाग लग गया, ये आई के अंदर काला काला दाग लग गया भाई। हटाने की कोशिश कर रही है चांद में दाग, बट ये हट नहीं पा रहा है। ये कर देगी कांड इसका। हाँ, ये आई तोड़ देगी, एंटी हो जाएगा। मेरा पति इसमें हैप्पी बर्थडे ग्रीन लगा के लाया। कोमल स्टार्ट, कोमल स्टार्ट, स्टार्ट कोमल। जिसके पैसे मैंने दिए थे, लेकिन मेरी बहन को यकीन नहीं है कि मैंने उसके लिए केक मंगाया। कैसी बहन है ये? परी आ गई है मासी के पास, क्योंकि परी भी मासी के साथ केक कटिंग करेगी। अब हम काटेंगे केक, अब हम काटेंगे केक। ये बुझ गया, मेरे परू के बिना कैसे काट लेंगे? मैंने भी तो हिचकियां आ रही है, हिचकियां। तो मेरे भोला सा भी, तेरी माँ उसी ने केक काट दिया। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये फेक खिलाना हो रहा है इसके। इस बच्चे को जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के चक्कर में परेशान किया जा रहा हूँ। अब सुबह मिलते हैं दीदी के बर्थडे पे, देखते हैं क्या क्या करते हैं, जीजू ने क्या क्या प्लान किया है। ये मेरे को ब्लॉग नहीं बनाने देंगे, इन्होंने लाइटें बंद कर, एक खास रहे।
आज दीदी का बर्थडे है तो उसे उपमा खाना है, जैसे उसका बर्थडे है तो उसकी फरमाइश की चीज़ें बनेंगी आज, तो मैं उसके लिए उपमा बना रही हूँ। दीदी के लिए स्पेशल प्लेट लगाई गई है उपमा की मेरी तरफ से, तो अभी वो आ रही है। हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने दीदी के लिए सरप्राइज प्लान किया। क्या वैसे इसे थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया है, क्योंकि बातें ऐसी करते हैं अब घर में यार नहीं रह जाता, क्योंकि कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको ये कुछ है भी ऐसी सुन ले, जानबूझ के सुनती है हमारी बातें, इसको पता चल जाएगी क्या है। वो लड़कियों के अंदर होती है ना क्यूरियोसिटी कि भाई सरप्राइज भी चाहिए और फिर जानना भी है कि क्या सरप्राइज हो रहा है मेरे लिए। क्या बढ़िया था गुरु। तो अभी हम जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं हमारे साथ। तो बोल ऑल थैंक्स टू कोमल, यार किसी के लिए आती है। हाँ तेरे लिए नहीं स्पेशल बेड। चलो भाई बैठो, पीछे हो मैं तो पीछे बैठूंगी। अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि नीतू दीदी को आइसक्रीम खानी थी, तो अभी हम बैठे हैं, आइसक्रीम आ रही है, उसके बाद हम रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान रहता है आगे। तो देखते हैं, ये जियो सा हीरो बन रहे कैप लगा के। मैं देखो बेटा धूप पड़ रही होली तो मैंने कहा धूप कमा ना, टोपी लगा जरूरी है। टोपी ओपी लगा के फोटोशूट चल रहा है। बस दीदी का ही चल रहा है, हम यहाँ पे इसके साथ लटक के आए ना, ये छोटा सा बच्चा परेशान होगा। पूल साइड एरिया है तो मुझे परी को फीड कराना था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। इन्होंने यहाँ पे कूलर अरेंज कर दिया, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ पे। परी का और उसके पापा का फोटो शूट चल रहा है। नाइट हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, यहाँ पे बहुत मज़ा आया। ये हमने छोटा सा और सरप्राइज प्लान किया है दीदी के लिए, तो उसी की तैयारी चल रही है। इसका केक आ गया उसके लिए। सुनो दीदी कैसा लगा? इन कैटरर्स को जला, इनको जला। अब इसको वीडियो मत लेना, इसको जलाते हुए दीदी के को। तो मैंने आज एक कोशिश की व्लॉग बनाने की कि किस तरीके से बिहाइंड द सीन्स नीतू राजावत के व्लॉग शूट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें।